इधर से मैं चढ़ के आया था, इससे ऊपर आने के लिए कोई रास्ता तो है नहीं, मैं इधर भी चढ़ने की कोशिश करूंगा और ऊपर चढ़ना है। यहीं से जो अपना फ्लो जाता, उधर आसमान देखिए। बाप रे क्या आप है, वो मस्त मस्त क्या परफॉर्मेंस देता है सच्ची में, क्या पिकअप लेता है ऐसे, क्या कंट्रोल है इसे? इतना ऊपर अपना है, वो पहाड़ का लेवल देखिए, वो उधर जो पहाड़ दिख रहा है उसका लेवल से अपना 50% में है। देखिए ये देखिए क्या आप था, देखो देखो इसको देखो, नहीं ना पिस्पला ढूंढ रहा है, ये देखो ये देखो। क्या मस्त चला दिया, देखो इसे कहते हैं राइडर। इस चलाएगा तभी तो सकेगा, नहीं चलाएगा तो कैसे सकेगा। चलो चलो क्या व्यू है देखिए, वाते नेचर सच्ची में, क्या सुकून मिलेगा यहाँ पे देख के, फुल नेचर। फुल्ली ऑफ रोड, अरे यार यहीं पे आके गिरना था, गिर गया बाइक। अरे अपन गिर गए रे भैया। एक्चुअली यहाँ पे आते ही जैसे यहाँ पे पाव दिया ना, ये पाव यहाँ पे जाके मेरा पाव फंस गया ऐसा, और फंसने के कारण मैं मेरा मिस बैलेंस हो गया, बेल्ट भी खुल गया गिर के। पाव किच्चर हो गया, हालांकि बाइक का कुछ हुआ नहीं ज़्यादातर। हाँ पार्किंग वहाँ है, पार्किंग पहुँचते पहुँचते गिर गया, तब अपने पहुँच गए पार्किंग में। पार्किंग में पहुँचते पहुँचते एक बार गिर चुका मैं, गिरने के बाद बाइक हालांकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ इधर कीचड़ लगा है और बाकी कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो कोई स्क्रैच नहीं है, सिर्फ कीचड़ लगा है, ये तो वॉश करने से चला जाएगा। सो अभी अपने को बाइक पार्किंग करके यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। बाइक का पार्किंग फीस भी लेते हैं, 20 रुपीज़ बाइक का पार्किंग फीस है, एंड पर पर्सन 10 रुपीज़ करके वो लोग फेयर लेते हैं, तो अभी अपना भी ले लेते हैं टिकट, उसके बाद चलते हैं आगे। ये सीधा रास्ता चले जाएगा आपके पहाड़ की ओर, यहाँ पे पार्किंग का कम्युनिटी बैठा हुआ है, और ये वे आपका जाएगा सेमिलांगसो वाटरफॉल। यहाँ पे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, इधर गाड़ी जाने का रास्ता है नहीं, ज्यादा नहीं 0.5 और 0.8 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ेगा। तो ये पूरा जंगल के बीचों बीच ये सब बेम्बू ट्री है, ये पूरा बेम्बू ट्री है ये सब। तो अगर बारिश के मौसम में अगर आते हैं ना तो थोड़ा तो स्लिप करेगा, हालांकि कल बारिश हुआ था, अभी भी मिट्टी जो है गीला गीला है। ये देखिए पूरे जंगल के बीचों बीच है, अपने पूरा जंगल के बीचों बीच। क्या बना है ना, अच्छा किधर है, ओह सो इधर देखिए, इधर आपको नीचे उतरना पड़ेगा, स्टेप की तरह बना दिए हैं ताकि कोई पिसले ना और इजीली चढ़ भी सके। और ये देखिए बेम्बू का ब्रिज, नीचे छोटा सा नाला और ये ब्रिज, ये ब्रिज देखिए, पीछे भाई आ रहा है, पूरी एडवेंचरिंग हो रहा है, जंगली जंगल। रात को तो जरूर एलिफेंट टाइगर ये सब तो निकलता होगा, अपने पूरे मैन वर्सेस वाइल्ड, अभी पूरे अपने वाइल्ड जंगल में आए हुए हैं, और जंगल के बीचों बीच ये देखिए इतना बड़ा पत्थर,
मुझे पानी का आवाज सुनाई दे रहा है, मतलब ज्यादा दूर अभी अपने है नहीं। अभी बेम्बू के अंदर अंदर जाएंगे अपने, पूरा बेम्बू के अंदर अंदर। ये भाई आ रहा है, ये दोनों हम दोनों को छोड़ के यहाँ पे आके चिप्स विप्स खा रहा है, पानी पी रहा है, और हम लोग ये दोनों को ढूंढ ढूंढ के थोड़े के लिए गलत रास्ते चले जाते हैं। पानी पी लेते हैं। अभी अपन को इस तरफ पत्थर के बीचों बीच, यो मैन, यहाँ से अपने को इस तरह साइड प्लेस इधर से। फाइनली वी हैव रीच सेमिलांगसो वाटरफॉल। यहाँ पे तो बहुत सारे पत्थर है। बाय बाय, हाय हाय। अभी मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा, ऊपर भी एक वाटरफॉल है। सो नीचे से ऊपर तक मैं चढ़ आया इधर से होके, अभी और ऊपर चढ़ना है इधर से, यो ऊपर ऊपर होके ये ऊपर की तरफ। यहीं से जो अपना फ्लो जाता है, यहीं से आपका पानी जा रहा है नीचे, यहीं से वाटरफॉल हो रहा है। और अभी अभी थोड़े के लिए गिर जाता, तो ये रहा झरना, उधर भी एक झरना है, वहाँ से पानी आ रहा है इधर। ये जो ग्रीन ग्रीन जगह काफ़ी स्लिपरी है, ये अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल देखिए ऊपर में। तो ये रहा, अपने इधर भी चढ़ने की कोशिश करेंगे। आ जाओ तुम लोग भी। ये रहा है और एक दूसरा वाटरफॉल, ऊपर से पानी गिर रहा है इधर, यही वाटर जाके आपको नीचे की ओर गिर रहा है। अभी अपना यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो ये है सेमिलांगसो वाटरफॉल, नीचे एक वाटरफॉल है और ऊपर की तरफ एक वाटरफॉल है, लेकिन ऊपर की तरफ आने के लिए कोई रास्ता है नहीं, तो पत्थर चढ़ चढ़ के आपको आना पड़ेगा। ये एक्चुअली अनरिवील वाटरफॉल है, ज़्यादातर आदमी इसके बारे में जानता नहीं है। वाटरफॉल तो पहले से है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि अंदर में इतना सुंदर वाटरफॉल है। अभी धीरे धीरे किसी किसी आदमी को मालूम हो रहा है, तो आ रहे हैं ज़्यादा आदमी। आप देख सकते हैं ज़्यादा आदमी का भीड़ है नहीं यहाँ पे। तो इससे ऊपर आने के लिए कोई रास्ता तो है नहीं, तो ये है फर्स्ट वाला, और अपना जो नीचे देखे थे वो सेकंड वाला है। ऊपर लेकिन आने में रिक्स है, मैं तो कहूँगा नहीं आने से बेटर है, ज़्यादा रिक्स है। मैं भी स्लिप करके गिर गया था, मेरा आईफोन भी पानी के नीचे चला गया था। तो ये इधर से जाता है, तो इधर से मैं चढ़ के आया था। कितना रिक्स वाला रास्ता है। ये देखिए इस तरह के पत्थर से चढ़ के जाना पड़ता है, यह डायरेक्ट डाउन हिल। यहाँ से गिरा ना तो नीचे एकदम स्विश। ये देखिए कितना स्लिपरी है।
वो हो, ये सेमी लांगसो वाटरफॉल से अभी अपने निकलने वाले हैं क्योंकि बारिश देने वाला है, बहुत जोर से मेघ गरज रहा है। क्या व्यू देखने को मिल रहा है, देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन, और उधर आसमान देखिए, वाओ। अभी अपने निकल चुके हैं, पूरे फॉरेस्ट एरिया से निकल चुके हैं, लेकिन अभी मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ पे मैं गिरा था वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं एग्जैक्टली यहीं पे गिरा था। अगर मैं कंट्रोल नहीं करता तो सीधा चले जाता नीचे पूरे बेम्बू के साथ।